गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गौतम अडानी से। क्या गौतम अडानी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में उठना तय है? अब क्या जल्द से जल्द गौतम अडानी के मुद्दे पर सुनवाई होगी? तमाम विपक्षी पार्टियों के हाथ लगे सबूत या भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अडानी को चाहे जितना सरकार बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अडानी की वजह से सरकार फंस रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से, अडानी कोई और नहीं बल्कि मोदी ही है। मोदी का दूसरा रूप अडानी है और इसलिए वो अपने खिलाफ कभी जाँच नहीं बिठाएंगे। लेकिन अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किस तरीके से तमाम खुलासे करके आज मोदी और शाह को घेर लिया है, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे? ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है? आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं, कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18-18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री, थोड़ा आराम करने दो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते, हमारा यह आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेयर कंपनी में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन CBI तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें, हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। JPC अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अडानी ग्रुप की नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अडानी के मुद्दे पर किस तरीके से जब घेरा जाता है तो सब कुछ जो है आज कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाई फिसल रहा है सरकार के हाथ से। सरकार जो कोशिश कर रही थी 2024 के चुनाव को जीतने की, वो चीजें होती नजर नहीं आ रही है। तो क्या वाकई विपक्षी पार्टियों के हाथ तमाम जो सबूत लगे, चाहे किरण पटेल का मुद्दा ले लें, गौतम अडानी का मुद्दा ले लें, क्या यही सारे मुद्दे हैं जो चुनाव पर असर डालते नजर आएंगे? और क्या रणनीति रहेगी BJP की 2024 जीतने की, या फिर महागठबंधन की सरकार 2024 में बन रही है? जनता को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।